A very good morning. Myself, Dr. Upasana, Assistant Professor in the Department of Home Science, Mahila College, Dalmanagar, Rohtas. आज का लेक्चर का विषय है पेप्टिक अल्सर, जो कि बीए ऑनर्स पार्ट टू की छात्राओं के लिए है. यह टॉपिक पेपर थ्री के अंतर्गत आता है. सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज पेप्टिक अल्सर. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर है क्या. पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज refers to painful sores or ulcers that develops in the lining of stomach, lower esophagus or small intestine. मतलब पेप्टिक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक तरह का घाव हो जाता है. सोर्स को मतलब घाव होता है, घाव हो जाता है जो कहाँ पे डेवलप करता है, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक या लोअर एसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन. लाइनिंग ऑफ द स्टोमक में भी हो सकता है, लोअर एसोफेगस में भी हो सकता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है. दे आर यूजुअली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंफ्लामेशन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज एच डॉट पायलोरी, इसको कहते हैं हेलियोबैक्टर पायलोरी, एज वेल एज फ्रॉम द इरोजंस फ्रॉम स्टोमक एसिड्स. ठीक है. एंड द लास्ट इज पेप्टिक अल्सर आर अ फेयरली कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम. पेप्टिक अल्सर जो है ये कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि ज्यादा मतलब इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं. अब टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, कितने तरह का टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, कितने तरह का पेप्टिक अल्सर होता है. बेसिकली तीन तरह का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, एसोफेजियल अल्सर, ड्यूओडेनल अल्सर. ठीक है. गैस्ट्रिक अल्सर मतलब अल्सर्स दैट डेवलप इनसाइड द स्टोमक. अब स्टोमक के पास अगर कहीं पर अल्सर है, दिस वन इज पार्ट ऑफ स्टोमक, दिस इज द एसोफेगस, और स्टोमक से अंत होते हुए पायलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा. तो पहला पार्ट ऑफ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है ड्यूडेनम. तो ये तीन स्टेज है, गैस्ट्रिक, एसोफेजियल और ड्यूडेनल. गैस्ट्रिक आप यहाँ देख रहे हैं, दिस वन इज द गैस्ट्रिक, यहाँ पे ये स्टोमक का पार्ट है. स्टोमक का पांच पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पायलोरिक. ठीक है. तो आपको जो स्टोमक की लाइनिंग में अगर कोई अल्सर हो जाता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं. यहाँ दिख रहा है ना फिगर में, ऐसे बड़ा सा बना करके दिखा कि अल्सर अल्सर हो गया. अल्सर क्या, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, मतलब लाइनिंग है ना, मीकोसा है, सब मीकोसा है, कहाँ पे मसल्स है, अगर उस एरिया में होता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं. एसोफेजियल अल्सर मतलब यहाँ पे एसोफेगस के पास अगर कोई अल्सर होता है तो एसोफेजियल अल्सर कहते हैं. या स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में, जिसको ड्यूडेनम के पास अगर होता है तो ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम. तो इसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं. ठीक है. अगर ड्यूडेनम के पार्ट में होता है तो ड्यूडेनल अल्सर उसको कहते हैं. देन हु इज मोर लाइकली टू गेट अल्सर्स, किसको ये बीमारी मतलब हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है. अगर वैसे इंडिविजुअल जो कि इन्फेक्टेड हो, एच डॉट पायलोरी दैट इज हेलियोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया. दूसरा वो इंडिविजुअल तो ज्यादा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हो, जैसे एस्पिरिन है, नेप्टोजेन है, ऐसा कोई भी टैबलेट्स लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो उनको भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है. Have a family history of ulcers. अगर उनके माँ पिता जी को है, दादा दादी को है, तो उस इंडिविजुअल में भी या डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है. या वह इंडिविजुअल स्मोकिंग करता हो. Have another illness such as liver, kidney or lung diseases. अगर लीवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई डिजीज हो तो वैसे पेशेंट को भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है. या वैसे इंडिविजुअल जो अल्कोहल ड्रिंक्स लेता हो, डेली प्रतिदिन लेता हो, तो उनको भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है. Then what is the causes of peptic ulcer? Peptic ulcer का क्या-क्या causes है? पहला तो वही infection, that is Helicobacter pylori की वजह से हो. दूसरा अगर कोई aspirin, ibuprofen, anti-inflammatory drugs लेता हो तो उनको भी यह बीमारी होने की संभावना होती है. या रिस्क जो है वो विमेन में मतलब having a BA increase ज्यादा होता है, और पीपल जो कि एज से 60 ईयर से ज्यादा हो उनमें ये बीमारी होने की चांसेस ज्यादा होती है. इसके साथ ही साथ अगर कोई स्मोक करता हो, ड्रिंक करता हो, रेडिएशन थेरेपी लेता हो, तो उनको भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है.
या आपकी बॉडी में एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हो रहा हो, और अगर एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन जो होता है उसके कंडीशन को कहते हैं जॉलिंसन-इल्सन सिंड्रोम, सो कहते हैं। अगर यह बीमारी हो आपकी बॉडी में, आपके स्टोमक में ज्यादा प्रोडक्शन हो एसिड का, तो भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है। जॉलिंसन-इल्सन सिंड्रोम को गैस्ट्रिनोमा भी कहते हैं। यह गैस्ट्रिनोमा है क्या? गैस्ट्रिनोमा इज अ ट्यूमर ऑफ द एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द स्टोमक दैट इंक्रीजेस एसिड आउटपुट। क्या करता है ये? आपके एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, बढ़ जाता है। मतलब गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर है जिससे एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द स्टोमक इंक्रीजेस द एसिड आउटपुट, एसिड का सिक्रीशन बढ़ गया तो भी आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है अगर इस तरह का सिम्टम हो तो। देन कॉमन कॉजेस दैट लीड्स टू पेप्टिक अल्सर, कौन कौन सा कॉजेस है? यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया है कि क्या क्या कॉजेस है। अगर हेलीकोबैक्टर पाइलोरी का आपको इन्फेक्शन है तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आप लेते हैं तो हो सकता है, या जॉलिंसन-इल्सन सिंड्रोम हो तो हो सकता है, या अल्कोहलिक बेवरेजेस लेते हैं तो हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री हो तो हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं आप तो भी आपको यह बीमारी हो सकती है, या हाइपर कैल्सीमिया है तो आपको हो सकता है, लोअर लेवल्स ऑफ मेलाटोनिन है तो हो सकता है। तो अगर ये सारी कॉजेस हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना हो सकती है। दीज आर द कॉजेस, ये सारा कॉजेस है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। देन व्हाट आर द कॉमन साइंस ऑफ पेप्टिक अल्सर? साइन मतलब सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हुई है कि नहीं? पहला, चेंजेस इन एपेटाइट, ठीक है। सेकेंड इज नॉजिया। थर्ड इज ब्लडी और डार्क स्टूल्स। Fourth is unexplained weight loss, indigestion, pain in stomach, vomiting, chest pain and bloating. ये सारा symptoms है। अगर ये symptoms होते हैं patient में तो उनको peptic ulcer होने की संभावना बढ़ जाती है, या संभावना है कि हो सकती है। सारे अगर sign and symptom है तो आपको एक बार check करा लेना चाहिए कि आपको peptic ulcer तो नहीं है। यहाँ पर pictorial form में represent किया गया है कि पहला है क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम स्टोमक अल्सर क्या क्या है। आपको पेन इन योर स्टोमक, पेट दर्द होने लगे, इनडाइजेशन होगा, या लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा, या नॉजिया फील होगा, ब्लॉटिंग होगा, या हर्ट बर्न होगा, या वोमिटिंग होगा, या स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको ये सारे साइन और सिम्टम है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। ये तो आप एक बार चेक करा लें, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। Then, test and exam for peptic ulcer. अगर आपको ये सारे symptoms आपको नजर आते हैं आपकी body में है तो आपको test करवाना चाहिए कि अगर आप, फिर आप confirm हो जाएंगे कि आपको peptic ulcer है कि नहीं। तो basically दो तरह का test होता है। पहला है upper GI, upper endoscopy, upper GI नहीं, upper endoscopy, and second one is upper GI, जिसको upper gastrointestinal series कहते हैं। फर्स्ट इज अपर एंडोस्कोपी। इसमें क्या करता है, होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, वो ट्यूब्स आप उनमें कैमरा टाइप का कुछ लगा होता है, वो आपके थ्रोट से लेकर के स्टोमक से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। उसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करते हैं कि कौन से एरिया में सोर है, घाव है, और उसके हिसाब से वो बताते हैं कि कौन सा आपको किस तरह का पेप्टिक अल्सर है। तीन तरह का है ना, कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? तीन, या तो आपका एसोफेगस की एरिया में होगा, या गैस्ट्रिक की रीजन में होगा, स्टोमक की रीजन में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की रीजन में होगा, दैट इज डुडेनम वाले पार्ट में। तीन एरिया पे है। तो अपर एंडोस्कोपी में डॉक्टर चेक करेंगे कि आपको कौन सा एरिया अफेक्टेड है, उसके हिसाब से बताएंगे कि आपको पेप्टिक अल्सर कौन सी टाइप का है। Not all causes require an upper endoscopy. However, this procedure is recommended for the people with a higher risk of stomach cancer. जिसको stomach cancer होने की संभावना होती है, उनको upper endoscopy करने वाला, दो तरह का test है, upper endoscopy and upper GI. तो
अपर एंडोस्कोपी उनके लिए करते हैं, ठीक है, जिनको स्टोमक कैंसर होने की संभावना होती है. These include people over the ages of 45 as well as people who experience anemia, weight loss, gastrointestinal bleeding and difficulty in swelling. ठीक है, इसके अलावा people कौन कौन से people होने चाहिए, या तो age of 45 होना चाहिए, या anemia उनको होता है, या उनका weight का loss हो रहा हो, या उनको gastrointestinal bleeding होने लगा हो, या उनको swallow करने में निगलने में खाना दिक्कत होता हो. तो इस तरह का टेस्ट हम लोग करते हैं चेक करने के लिए कि उनको पेप्टिक अल्सर है या नहीं, अगर है तो कौन सा एरिया अफेक्टेड है. देन सेकेंड वन इज अपर जीआई. अपर जीआई में क्या होता है, आपको सैलो नहीं करना, मतलब उसको डालना नहीं होता. यू डोंट हैव टू, इफ यू डोंट हैव डिफिकल्टी If you don't have difficulty swallowing and have a low risk of stomach cancer, then doctor may respond an upper GI test. ठीक है, for this procedure इसमें क्या करते हैं, हमें एक लिक्विड को ड्रिंक करना होता है. उस लिक्विड को कहते हैं बेरियम, बेरियम सैरो सैलो. तो उसमें क्या होता है, उसको ड्रिंक करते हैं, देन टेक्नीशियन जो है आपका एक्सरे करेगी. कौन से एरिया का करेगा, स्टोमक का करेगा, एसोफेगस का करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का करेगा. और उस लिक्विड के माध्यम से फिर डॉक्टर रिव्यू करके बताएगा कि किस तरह का आपका अल्सर है, कौन सा अल्सर है, और उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है, बिकॉज हेलियोबैक्टर पाइलोरी इज अ कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, डॉक्टर विल ऑल्सो रन अ टेस्ट टू चेक फॉर दिस इन्फेक्शन इन योर स्टोमक. देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स. अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो गया, अगर वो अनट्रीटेड हुआ, वो नहीं पता चला, तो फर्दर और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. तो पहला है परफोरेशन. परफोरेशन मतलब एक तरह का छेद, मतलब छेद टाइप का हो जाता है. अ परफोरेशन इज अ होल डेवलप्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन. या तो स्टोमक में होगा या तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, एंड कॉजेस अ इंफेक्शन, और इंफेक्शन हो जाएगा. अब परफोरेशन अगर होता है तो उसका क्या सिम्टम है, सीवियर एब्डोमिनल पेन. अगर आपके अब्डोमिन में बहुत सीवियर पेन होगा तो आपको अकॉर्डिंग हो सकता है पेप्टिक अल्सर का. एक कॉम्प्लिकेशन क्या, परफोरेशन. सेकंड इज इंटरनल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा हो, इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा, ब्लीडिंग अल्सर्स कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट वेट लॉस, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, एंड थस रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन. साइन ऑफ ब्लीडिंग अल्सर इंक्लूड लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, एंड ब्लैक स्टूल. क्या होगा इसका सिम्टम, कैसे आपको पता चलेगा इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, आपका आपको डिजीनेस फील होगा, आपका स्टूल का कलर ब्लैक हो जाएगा, या लाइट हेडेडनेस फील होगा, हेडेक जैसा लगेगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो तो उसका कॉम्प्लिकेशन का ये भी एक है. एंड द लास्ट इज स्कार टिश्यूज. दिस इज अ थिक टिश्यू दैट डेवलप्स आफ्टर एन इंजरी. इंजरी के बाद ये होता है, ये डेवलप करता है. दिस टिश्यू makes it difficult for a food to pass through your digestive tract. इससे कि आपके फूड को digestive tract में पास होने में difficulty होगा, और इसका symptom है vomiting and weight loss. So diet. अब अगर peptic ulcer है किसी को तो हम कैसा diet देंगे? अगर पेप्टिक अल्सर है तो हम सॉफ्ट डाइट देंगे, एंड इट शुड बी सॉफ्ट ब्लैंड डाइट. ऑलरेडी मैंने टाइप ऑफ डाइट में बता रखा है कि ब्लैंड डाइट होता क्या है, तो हम लोग उसको देंगे क्या, सॉफ्ट ब्लैंड डाइट, मतलब फ्री फ्रॉम स्पाइसेस एंड ऑयल. लेस ऑयल होगा और लेस स्पाइसेस होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डाइटरी चेंजेस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग पेप्टिक अल्सर. डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, और यहाँ के केस में हम पेप्टिक अल्सर को कहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि उसको प्रिवेंट करें या तो उसको ट्रीट करें. दोनों में ही डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड फूड एंड फ्लेवरिंग्स दैट इंड्यूस the stomach to produce acids such as chili powder, garlic, black pepper and caffeine. ठीक है, it is important to avoid, मतलब
अवॉइड करना है, आपको नहीं लेना है, कैसा फूड नहीं लेना है जो आपके स्टोमक में एसिड का प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। कौन क्या क्या बढ़ाता है? चिली पाउडर, गार्लिक, ब्लैक पेपर एंड कैफीन। अल्कोहल हैज द सेम इफेक्ट ऑन द स्टोमक एंड शुड आल्सो बी अवॉइडेड। और अल्कोहल भी आपको नहीं लेना है, वो भी आपके स्टोमक में क्या करता है, एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। Foods that are high in antioxidants such as a range of berries, snap peas are recommended. वैसा फूड लेना है जिसमें antioxidant हो, and antioxidants are considered as scavenger of free radicals. तो वैसा ही फूड लेना है जिसमें antioxidants हो, वो आपको peptic ulcer में peptic ulcer को treat करने में, prevent करने में मदद करेगा। Then a balanced diet filled with fruits and vegetables and lacking in intense spices and flavors should assist with the peptic ulcer. वैसा balanced diet चाहिए जिसमें हमारा fruits and vegetables ज्यादा हो और spices and flavors कम हो। ऐसा recommendation है वैसे patient के लिए जिसको peptic ulcer है, वैसा ही ऐसा ही diet देना उनको चाहिए। Then यहाँ पे है कि 15 बेस्ट हर्ड बन रेमेडीज। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो कौन कौन सा फूड लेना चाहिए, कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए, वो यहाँ पर है, स्टार्ट करके देखते हैं। पहला है आपका जिंजर। जिंजर एक्ट एज अ बफर टू प्रिवेंट हर्ड बन। जिंजर आपको हर्ड बन में प्रिवेंट करता है, हर्ड बन होने से रोकता है, तो जिंजर हमें लेना चाहिए। बनाना आर अ नेचुरल एंटी एसिड। च्यूइंग गम कैन एलिमिनेट द एसिड एक्युमुलेटेड इन द गट। गार्लिक कैन रिड्यूस स्टोमिक एसिड। गार्लिक आपका स्टोमक एसिड को रिड्यूस कर सकता है। लिकोराइस कैन हील योर स्टोमक। बटर मिल्क में रिड्यूस द स्टोमक एसिड, आपका स्टोमक एसिड को कम करता है बटर मिल्क, तो बटर मिल्क भी ले सकते हैं, मतलब छाछ। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस द स्टोमक एसिड एंड ड्यू टू इट्स लो पीएच। देन एप्पल, एप्पल काम डाउन एसिड प्रोडक्शन। एलोवेरा रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग। Almonds neutralize stomach acid due to their oil content. Slippery elm creates a barrier against acid. Pineapple can prevent heartburn and reduce acid. Chamomile tea reduces stomach inflammation before bed. Chamomile tea आप bed सोने से जाने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं। ये आपको stress भी relieve करता है और stomach का inflammation भी कम करता है। essential oils can soothe heartburn when applied topically and mustard can zap the burning sensation. Then यहाँ पर है कि कौन कौन सा फूड आपको हील करता है अल्सर और कौन कौन सा फूड है आपको जो प्रमोट करता है अल्सर, दोनों है। तो फूड्स दैट प्रिवेंट और हील अल्सर, फूड्स टू अवॉइड विद अल्सर्स। तो प्रिवेंट क्या, फूड दैट प्रिवेंट और हील अल्सर्स में क्या है, अवोकाडोस है, रॉ हनी है, कैबेज है, स्पाइनच है, केल है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स है, सेलरीज है, एक्सेट्रा। फूड्स टू अवॉइड अल्सर्स में क्या है, मिल्क है, अल्कोहल है, बटर बेस्ड पेस्ट्रीज है, बेकॉन है, मेयोनीज है, फ्रेंच फ्राइज है एंड रेड मीट। Then one एक और हमें मिला था स्टडी, अगर ये ओपन हो जाता है, हाँ तो एक स्टडी नहीं है, एक मिला मुझको ईट राइट अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन से, ठीक है। वहां पे था कि पेप्टिक अल्सर न्यूट्रिशन थेरेपी, मतलब पेप्टिक अल्सर में न्यूट्रिशन कैसे थेरेपी का काम करता है, उसमें क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेड फूड है, वो मुझे एक जगह मिला था, तो मैंने इसमें अटैच कर लिया, हाइपरलिंक कर दिया था स्लाइड। तो देखते हैं क्या है पेप्टिक अल्सर न्यूट्रिशन थेरेपी। इसमें क्या है, ईट मोर फूड्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फैट फ्री और लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपको क्या लेना है, ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है, होल ग्रेन्स लेना है और फैट फ्री या लो फैट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि आपको स्कीम्ड मिल्क या टोन्ड मिल्क में मिलेगा। ईट लीन मीट्स, पोल्ट्री सच एज चिकन और टर्की, फिश, बीन्स, एग्स एंड nuts. Choose fat that are better for your health such as olive oil or canola oils because these are rich in omega-3 and omega-6 fatty acids.
Eat fear foods that have added salt. Eat fear food that have added sugars. ठीक है? Then recommended foods क्या क्या है? ठीक है कि कौन कौन सा food आपको लेना चाहिए? जैसे अगर डेरी देखा जाए तो डेरी में आप बटर मिल्क ले सकते हैं, इवापोरेटेड स्किम मिल्क, स्किम और 1% लो फैट सोए मिल्क ले सकते हैं, नॉन फैट और लो फैट योगर्ट ले सकते हैं, पाउडर्ड मिल्क, नॉन फैट लो फैट चीजेस ले सकते हैं, लो फैट आइसक्रीम ले सकते हैं और शरबत ले सकते हैं. प्रोटीन में टेंडर और वेल कुक्ड लीन मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, सोया प्रिपेयर्ड कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, नट्स एंड नट्स बटर ले सकते हैं, पीनट बटर जिसको कहते हैं नट्स बटर ले सकते हैं. ग्रेन्स में एनी प्रिपेयर्ड विदाउट एडेड फैट. चूज होल ग्रेन्स फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ योर ग्रेन सर्विंग. जितना भी आप ग्रेन सर्विंग खाते हैं उसका हाफ एटलीस्ट आपका होल ग्रेन्स होना चाहिए. वेजिटेबल्स तो आप ले सकते हैं, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फैट एंड ऑयल्स में लिमिट टू लेस देन 8 टीस्पून पर डे. चूज ऑलिव और कैलोना ऑयल एंड लो फैट सैलेड ड्रेसिंग्स एंड मेयोनीज. बेवरेजेस में कैफीन फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड हर्बल टीज ले सकते हैं, एक्सेप्ट पिपरमिंट और स्पीयरमिंट. आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अदर्स में ऑयल कॉन्डिमेंट्स एक्सेप्ट पेपर. ठीक है. फूड्स नॉट रिकमेंडेड, कौन कौन सा फूड है जो आपको नहीं लेना है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में होल मिल्क नहीं लेना, क्रीम नहीं लेना, चॉकलेट मिल्क नहीं लेना, ये सब नहीं लेना. मीट में हाई फैट मीट्स नहीं लेने हैं. बेवरेजेस में कोला नहीं लेना है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं लेना है. कॉफी नहीं लेना, ग्रीन और ब्लैक टी नहीं लेना, विथ और विदाउट कैफीन आपको नहीं लेना. कोकोआ नहीं लेना, अल्कोहलिक बेवरेजेस तो बिल्कुल नहीं लेना. फैट एंड ऑयल में बटर नहीं लेना, लार्ड नहीं लेना, मार्गारीन नहीं लेना, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स नहीं लेना, स्पाइसेस में पेपर नहीं लेना, ये आपको नहीं लेना है. और ये सारा रिकमेंडेशन कहाँ किसका है, ये रिकमेंडेशन है अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन का. ठीक है. ईट राइट. देन आपका क्या है कि एक देखिए एक डे का मेनू ये है. ठीक है. ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं, 2 कप होल ग्रेन सीरियल ले लीजिए, 1 skim milk, 1 banana, 1 herbal tea. ठीक है. मिड मॉर्निंग में 12 saltine crackers और होल व्हीट क्रैकर्स, 2 ounces ऑफ हलवाई चीज. इन्होंने इस तरह से बनाया है, वह अमेरिकन डाइट पैटर्न है, वो जैसा खाते हैं वैसा यहाँ बनाए. आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं. लंच में लिया फ्रूट्स लिया, एप्पल लिया, तो भाई कैलोरीज इतना है, कितना ग्राम लिया, ठीक है, कितना ग्राम फैट लिया, तो इस तरह से इन्होंने 2000 कैलोरीज का बनाया है टोटल. की कैलोरीज कितना, 2000, प्रोटीन कितना लिया, 24% ऑफ द कैलोरीज ले लिया, कार्बोहाइड्रेट कितना लिया, 57% ऑफ द टोटल कैलोरीज लिया, फैट कितना लिया, 41 ग्राम लिया, कोलेस्ट्रॉल कितना लिया, 2 to 4 ग्राम. इन्होंने अपने डाइटरी चार्ट से डाइटरी फूड रिकमेंडेड फूडों को उनसे कैलकुलेट करके न्यूट्रिएंट निकाला. आप भी डाइट प्लान कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सा फूड ग्रुप्स आपको लेना है, क्या अवॉइड करना है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना मेनू के अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हैं, आपका जैसा डाइटरी पैटर्न है, उसके हिसाब से आप डाइट चार्ट बना सकते हैं उस पेशेंट के लिए. फिर हम लोग रिवर्स बैक हो गए. ओके. उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे. पहला, अल्कोहलिक बेवरेजेस तो बिल्कुल नहीं लेंगे. नॉट मिक्सिंग अल्कोहल विथ मेडिकेशन, किसी मेडिसिन में भी मिला करके नहीं लेंगे. अपने हाथ को प्रॉपर धुलेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन भी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि हेलीबैक्टर पायलोरी की वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है. लिमिट योर यूज ऑफ इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सबको हम थोड़ा कम लेंगे. मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल बाय क्विटिंग स्मोकिंग सिगरेट एंड अदर टोबैको यूज. And last and most important is eating a balanced diet rich in fruit and vegetables and whole grain is more essential to prevent peptic ulcer. Thank you. These are the references. Once again, thank you. Hopefully you enjoyed the lecture. Thank you.